नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल का स्क्रीनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ इक्विटी इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये सब आप लोग को 100 डे यूनिट स्ट्रेटजी दिखाता हूँ और उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोग को कल जो फाइल्स शेयर किया था और जिस फल का थ्रू मैं आप लोग को व्यू भी दिया था वो आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैंने ये लेवल्स आप लोग को बाय लेवल सेल लेवल्स कैंडलस्टिक फॉर्मेशन 100 डे एम स्ट्रेटजी इनसाइड डबल NR4 NR7 स्ट्रेटजी आप लोग को रेगुलर बेसिस पर दिखाता हूँ और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है और स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है जो आप लोग अडॉप्ट करके रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो और इसमें सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बाइसल लेवल का स्क्रीनर है इसका कैसे स्क्रीनिंग करना है, कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, रिवर्सिंग स्ट्रैटेजी क्या है, वो सब आप लोग वीडियो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए तो आप लोग को ये वीडियो समझने के लिए सुविधा हो जाएगा। तो देखिए, मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कल का रात में जो फाइल शेयर किया था, देखिए पहले बाय लेवल एंड सेल लेवल दिखाता हूँ। कौन से स्टॉक्स में, कुछ भी स्टॉक्स में मैंने चुन लेता हूँ। सोच लीजिए अदानी पोर्ट्स को चुन लिया, तो अदानी पोर्ट्स मैंने चार्ट में देख लेता हूँ। रिपोर्ट्स का चार्ट एक बार देख लेता हूँ। अभी 32 तक ऊपर गया था, 378 के ऊपर, मतलब बाई का लेवल आया नहीं था। तो सेल का जब लेवल आया था, सोच लीजिए आप लोग नेक्स्ट सेल का लेवल में नेक्स्ट लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। तो 379 के नीचे आप लोग जब एंट्री ले सकते थे तो इधर ये डाउन गया था 375.30। उसके बाद कुछ भी देख लेता है, सोच लीजिए भारत फॉर्ज देख लेता है। भारत फॉर्ज का जो मैं 520 सत्तर बाई का लेवल था और 563 सेल का लेवल है। तो 820 का ऊपर तो गया नहीं है और 517.96 मतलब 517 का नीचे जब ये लेवल आया था तो उसके बाद ये बहुत ही गिर गया था 508 तक, तो इधर ही बिक रहा है। उसके बाद 506.67 तक आया था। तो उसकी ये बाई सेल लेवल का दिखाया परफॉर्मेंस मैंने, और इफेक्ट पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सही में थोड़ा सा करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो जो 100 डे ई एम ए स्ट्रैटेजी था, सोच लीजिए थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। और बी पी सी एल को एक बार देख लेता है। बी पी सी एल को ये काट किया था कल का हाई लो, 100 डे मूविंग एवरेज का जो स्ट्रैटेजी है कि कल का जो कल का कैंडल का जो लीजिस कैंडल स्टॉक्स का कैंडल 100 डे एम ए को काट करता है, उसका हाई लो जब ब्रेक करेगा तो आप लोग मेरा बाई सेल लेवल का वीडियो देख ले सकते हैं। तो उसको इसका हाई तो थोड़ा सा प्रॉफिट आ सकता है। तो देखता है बी टी सी एल डेली चार्ट एक बार देख ले, उसका कल का हाई लो ब्रेक हुआ था क्या नहीं हुआ था। और कल का हाई लो एक ब्रेक नहीं किया था शायद, कल का हाई लो ब्रेक नहीं किया, तो ब्रेक नहीं किया तो लेवल आया नहीं, कुछ नहीं करने का ट्रेड नहीं होगा। तो सी एस सी को देखते हैं, सी एस सी को
सीएससी देखिए, इसका इसका कल का लो था 756.90, तो आज का ये 743.15 तक आ गया है। उसके बाद और भी कुछ जरूरत है, इतनी ट्रस्ट छोटा गैल छोटा देखता है, छोटा है बुकिंग का एक बार देख लेता है। का देखिए इसका लो थोड़ा है 730 और 737.30 तक आया है। तो इसके बाद मैंने इंसर्ट दबा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और कुछ कैंडल का जो था उसका कैसे परफॉर्म किया वो देख लेते हैं। एसीसी तो एक बार एसीसी को दिखा नहीं सका, चाहे एसीसी को वन डे टू डे और NR4 वन डे टू डे का हिसाब से इंसर्ट दबा रहा है और NR4 का भी स्ट्रैटेजी था कल, देख लेते हैं कैसे परफॉर्म किया। एसीसी देखिए ये काल का कैंडल था, ये काल का कैंडल का हिसाब से इंसर्ट दबार भी था, NR4 भी था, प्लस टू डे का इंसर्ट दबार भी था। तो ये देखिए काल का लेवल भी थोड़ा है नीचे ही लिया था, वन डे का कैंडल अगला दिन का कैंडल भी थोड़ा है, टू डे का कैंडल भी थोड़ा है। तो देखते हैं 1495 के नीचे ये 1487 तक आया था, ठीक है। इसका एक बार चार्ट में डेली चार्ट का टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं, वहाँ पर एंट्री ले सकते थे। इधर देखिए एक बार पहले ऊपर गया था, उसके बाद जब नीचे आया था 1495 के नीचे, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया था कि उसके बाद फिर ये आके नीचे आया 1495 तक, बीच में ऊपर गया था 500 तक, फिर से ये नीचे आया था। तो इसमें उसके बाद एक हायर हाई लो था अपोलो हॉस्पिटल, देखिए मतलब लगातार 3 दिन से ये हाई लो था, लेकिन इसका हाई लो आज कुछ नहीं ब्रेक किया, तो इसमें कुछ लेवल नहीं बना, ठीक है। और बार्स पॉइंट का एक बार देख लेते हैं, बार्स पॉइंट देखिए ये लगातार 3 दिन से आ रही है लो था, उसके बाद कल का लो थोड़ा है तो 559.60 कल का लो था और आज उसके तोड़ने के बाद 547 आया था। और सीएससी को एक बार देख लेता है, देखिए कल लगातार 3 दिन से ये हाई लो था, उसके बाद जब कल का लेवल तोड़ा है तो ये 743 तक आया गया है। उसके बाद लोअर एक बार देख लेते हैं, फोन कॉल एक बार देख लेते हैं, काउंटर देखिए कुछ लेवल आया नहीं है, और भी कुछ देख लेता है कौन सा कुछ बना था क्या नहीं बना था। ट्रायंगुलर पैटर्न लहसुन को एक बार देख लेते हैं, लहसुन का जो ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना था तो ये लेवल कल का हाई का लेवल ब्रेक किया था 777.50, 780.5 तक दिया था। और भी कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ, ये पैटर्न एक बार देख लेते हैं कुछ अच्छा कुछ